नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं बच्चों हम लोग, क्लास फोर का है ना, चैप्टर नंबर सिक्स, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, है ना, भिन्न और दशमलव। भिन्न जो होता है वह पूरी संख्या का जो भाग, जो पार्ट जो है बताया जाता है, कि जैसे पांच में से दो भाग, तो वह दो भाग जो है वह फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुल भाग में से वह दो भाग को निकाल देते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। इसे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसका लिखने का तरीका होता है न्यूमरेटर है ना अपॉन डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो होता है वह कुल भाग का जो है ना, जो भाग दिया जाता है उसे हम लोग न्यूमरेटर, यानी इसे हिंदी में अंश बोलेंगे और हिंदी में नीचे वाले को डेनोमिनेटर में हर बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में न्यूमरेटर ऊपर वाले को और हिंदी में अंश, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर इंग्लिश में और हिंदी में हर। ठीक है, तो जैसे अभी हम बताया कि दो बटा पांच, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि कुल भाग जो है वह फाइव है, तो वह कहलाएगा डेनोमिनेटर, और जितना भाग जो है उसमें से निकाला गया है ना, उस भाग को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर। यह हो जाएगा फ्रैक्शन में भिन्न में दो बटा पांच। ठीक है, जैसे आप लोग अपने भाषा में बोलते हो है ना, दो बटा पांच यानी टू अपॉन फाइव। तो इसी तरह से जो है आपको समझना है कि जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के लिए भिन्न के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका कॉमन डिनोमिनेटर होगा है ना, यानी नीचे वाला जो संख्या है वह एक समान होगा और ऊपर वाला चाहे कुछ भी रहे। ठीक है, तो उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहेंगे जिसका डिफरेंट मतलब जो है डिनोमिनेटर होगा, यानी नीचे वाला भी डिफरेंट होगा और ऊपर वाला भी चाहे जैसा हो, यानी आपका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है यानी हर, वह डिफरेंट अलग अलग होगा और ऊपर वाला भी अलग अलग होगा। आगे है प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी इससे यह पता चलता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है आपका ऊपर वाला जो है वह नीचे वाले से कम होगा। ठीक है, अब अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है क्या होता है, या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा, न्यूमरेटर से छोटा होता है या न्यूमरेटर के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है 9/5, यानी न्यूमरेटर जो है यानी अंश जो है आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर यानी हर जो है वह छोटा है ना, और इक्वल भी हो सकता है, जैसे 5/5 इक्वल टू 1, यदि इसको हम यदि काटेंगे है ना, 5 से 5 फोर जो 5, 5 फोर जो 5, तो दोनों के ऊपर क्या आएगा 1 1, आंसर क्या हो जाएगा 1 है ना। तो इस तरह से भी जो है इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग जो है चैप्टर में चलते हैं। जैसे 6 का ए ये पहला जो है शेड, शेडेड मतलब होता है कि छाया करना है ना, यानी उसको जितना भाग बोला है यानी ऊपर वाला डेनोमिनेटर जितना रहेगा है ना, उसके ऊपर वाला भाग जो है यानी न्यूमरेटर और जितना दिया रहेगा उतने भाग को हमको कलर करना है, या पेंसिल से उसको जो है ना छाया जैसा बना देंगे। जैसे मैं एक समझा रहा हूँ, 6 का 1 का ए, ठीक है, जैसे एक सर्कल दिया हुआ है उसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसे तीन भागों में बांटा गया है, तो ऊपर लिखा गया है 2 और नीचे लिखा गया है 3। इसका मतलब क्या है, यह टोटल जो कुल भाग जो यह डिवाइड कर दिया गया है इस सर्कल को, इस पूरे भाग में से केवल दो भाग को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप पेंसिल से जो है इसको यह पूरा कलर कर सकते हैं, या आपके पास स्केच या कलर है उससे भी आप दो भाग को केवल कलर कर सकते हैं और एक भाग जो है जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है, इक्विवेलेंट का ही मतलब होता है बराबर है ना, बराबर फ्रैक्शन यानी 2/7 के, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का 2 का ए में देखिए
टू बटा सेवन के बराबर जो है आपको फ्रैक्शन निकालने होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि दो बटा सात के बराबर जो है भिन्न लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें जो है ऊपर और नीचे, है ना, जिस संख्या से ऊपर गुना करेंगे उसी संख्या से नीचे गुना करेंगे, है ना, तब जाके जो है वह इक्विवेलेंट होगा। यदि हम टू में टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी सेवन में टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वह क्या आता है, फोर बाय फोर्टीन, है ना। तो फोर बाय फोर्टीन क्या हो जाएगा, वह टू बाय सेवन के इक्विवेलेंट। अब आपको पूछिएगा कि फोर बाय फोर्टीन जो है वह दो टू बाय सेवन का इक्विवेलेंट कैसे, बराबर कैसे है। यदि इसको आप काटिएगा, भाग दीजिएगा दो से, तो टू टू जा फोर और टू सेवन जा फोर्टीन, यानी यार कितना आ जाएगा, दो बटा सात। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चार बटा चौदह जो है वह दो बटा सात के बराबर है, है ना, बराबर भिन्न है। इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एट बाय ट्वेल्व विद द डिनोमिनेटर एट सिक्स, है ना। अब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर थ्री का, है ना, सिक्स का, थ्री का, सिक्स का ए का थ्री, ठीक है, सॉरी सिक्स का ए का थ्री, ए का थ्री। इसमें जो है आपको फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18 बाय 12 के डिनोमिनेटर एज 6। यदि मान के चलिए क्या बोल रहा है कि यदि 8 बटा 12 है और उसके साथ जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें 6 जो है वह इक्विवेलेंट है, यानी डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जो है तो कौन सी संख्या होगी जो यहाँ पे बैठाने के बाद 8 बटा 12 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे 12 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है। तो यदि पहला जो संख्या नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 6 से यदि 12 से डिवाइड करें तो 6 1 6 और 6 2 12, यानी यह जो है 6 से 12 में डिवाइड किया गया होगा तो ही जो है यह 6 आया होगा, है ना, यानी 12 में 2 से डिवाइड किया गया होगा तो 6 आया होगा। तो ठीक उसी तरह से क्या करेंगे कि 12 में भी सॉरी 8 में भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 4/6। तो 4/6 जो है वह 8/12 के बराबर है। इसको भी यदि आप काटेंगे 2 से, है ना, या 4 से भी काट सकते हैं, 4 2 8 एंड 4 3 12। इसको भी यदि 2 से आप काटेंगे तो 2 1 2 2 4 एंड 2 3 6, यानी 2/3 इसका भी आ रहा है, 2/3 इसका भी आ रहा है। सो वी से दैट 8/12 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया हुआ डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब इसमें जो है आपको समझना है, ठीक है, नेक्स्ट है 6A का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर द इक्विवेलेंट, यानी इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि दिए हुए फ्रैक्शन जो है वह एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जो है चेकिंग करेंगे, यानी उसको समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो 12/18 और 4/6 जो दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मतलब जो पहला जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर से, है ना, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो है पहले डिनोमिनेटर से, है ना, दूसरे जो फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि दोनों का संख्या जो है एक समान आएगा, है ना, इक्वल के पहले और इक्वल के बाद, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो है, यानी जो फ्रैक्शन दिया हुआ 12/18 और 4/6, है ना, वह इक्विवेलेंट होंगे। तो उसमें आंसर में लिखना है यस इक्विवेलेंट, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि सपोज दैट कि यहाँ पे 72 के जगह में यदि यहाँ पे 5 होता, है ना, तो 18 5 कितना होता, 90,
ठीक है। तो इस तरह से यदि फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यदि संख्याएं इस तरह से आता तो यहाँ पे लिखते नो नो इक्विवेलेंट, है ना, यानी यह दोनों संख्याएं जो है, दोनों फ्रैक्शन जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का, चैप्टर सिक्स ए का, है ना, क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन सिक्स बी में हम लोग आते हैं, जिसमें फिर सिक्स बी में पहला दिया हुआ है पुट फोर द लाइक फ्रैक्शन एंड द फोर अनलाइक फ्रैक्शन। वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर एक समान होंगे दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, और जिसके, है ना, जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जो लाइक फ्रैक्शन होगा उसमें टिक करना है, जो अनलाइक फ्रैक्शन होगा उसमें क्रॉस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है चैप्टर बी का वन का ए, है ना, जैसे दिया हुआ टू बाई थ्री, वन बाई थ्री, फोर बाई थ्री, है ना, तो इसके डिनोमिनेटर जो है सारे का एक समान है, इट्स मीन इट्स अ लाइक लाइक फ्रैक्शन, सो वी थिंक करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें सेवन बाई नाइन, थ्री बाई नाइन, और अंत में जो है टू बाई फाइव दिया हुआ है, यानी जिस इसमें जो है दो डिनोमिनेटर समान है लेकिन तीसरा जो है डिफरेंट है, इट्स मीन, है ना, दिस फ्रैक्शन इज अनलाइक फ्रैक्शन, सो वी क्रॉस हियर, ठीक है। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में जो है आपको कंपेयर करना है विच वन इज अ ग्रेटर एंड विच वन इज अ लेस एंड विच वन इज अ इक्वल टू, ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन एक दूसरे के बराबर है, उसमें चिन्ह लगाने हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी उसी तरह से बनाना है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यदि डेनोमिनेटर नीचे में आपका एक समान दिया हुआ है तो हम लोग कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से, किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, ताकि जो है उसका सॉल्यूशन हम कर पाए। यदि डिफरेंट दिया रहा था तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता, वह अगले इसी चैप्टर में आगे मैं बताऊंगा। इसमें केवल आपको डिनोमिनेटर यदि एक समान है तो कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर से, जैसे 13 बाई 15 दिया हुआ है और 12 बाई 15, तो 13 बड़ा है ना 12, यू नो दैट 13 इज ग्रेटर देन 12, सो मे बी पुट द मार्क ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि आपको अरेंज करना है, सजाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जो है सजाना है, है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फोर, सिक्स डी का फोर नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3/9, 4/9, 1/9, 6/9 एंड 7/9, इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो आप देख रहे हैं जो डेनोमीटर सभी का एक समान है तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे बड़ा छोटा में, है ना, ऊपर वाले से, यानी डोमिनेटर से, अंश से। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लेंगे, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह से लिखते हैं, है ना, यानी बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम, यानी छोटा से हम लोग बड़ा की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटा जो है वन है, तो 1/9, दूसरा 3 है तो 3/9, तीसरा 4 है तो 4/9, फोर्थ जो है 6 है तो 6/9, और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे अंत में 7/9। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ठीक उसका उल्टा कर देंगे, जैसे 7/9, 6/9, 4/9, 3/9, 1/9, इस तरह से, ठीक है। अगला जो भी मतलब प्रॉब्लम है इसमें आप लोग खुद जो है इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो वह बिल्कुल ही करेक्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट है 6C, है ना, 6C में आप लोग को भिन्न का, है ना, यानी फ्रैक्शन का जो है ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में जानना है और इसको समझना है बच्चों। बहुत ही आसान है आप लोग को क्लास में यह चैप्टर, है ना, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वह एक समान ही दिया हुआ है, यानी इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर है, तो उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना जो है बहुत ही आसान है। जैसे मैं एक ऐड और एक सब्सट्रैक्ट बताऊंगा जिससे आप लोग को पूरा यह जो है चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऐड में जैसे दिया हुआ है 4/6 ऐड 2/6, इसका मतलब यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वह कॉमन है, है ना, यानी दोनों में, दोनों फ्रैक्शन में जो है डिनोमिनेटर जो कॉमन है तो उसको कॉमन ही ले लेंगे, यानी 6 लेंगे, ठीक है। अब ऐड करना है तो ऊपर वाला जो डिफरेंट मतलब जो न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6,
इसको जो है 6/6 भी लिख सकते हैं, यदि आप लोग इसको डिवाइड करते हो एक दूसरे से, 6 × 6 इक्वल टू 1 भी आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, ऐड या सब्सट्रैक्ट में आपका ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो संख्याएं आएंगे है ना, जो प्रेशर आएगा, यदि किसी संख्या से है ना ऊपर नीचे दोनों मतलब जो है कटता है तो उसको काटे गया नहीं कि इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, ऐसा नहीं। किसी एक ही संख्या से जो कि है न्यूमरेटर भी कटेगा और डिनोमिनेटर भी कटेगा, उसके बाद जो फ्रैक्शन बनेगा तो फ्रैक्शन आएगा। यदि ऊपर में 2 बचा और नीचे में 1 है ना, तो आंसर आप 2 ही लिखिए। क्या है कि वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर का नहीं न्यूमरेटर का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट जो है वह आपको बनाना है, तो इसमें जो है आपको ध्यान देना है उसी तरह से जिस तरह से आप लोग ऐड बनाए हैं, जैसे 6/7 − 2/7। इसमें भी देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वह कॉमन है ना, और न्यूमरेटर जो है वह डिफरेंट है, तो जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको हम लोग ले लेंगे डिनोमिनेटर में। 7 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है तो 7 ले लिए डिनोमिनेटर में है ना, ऊपर जो न्यूमरेटर जो दिया हुआ है उसको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो यह आंसर जो है 4/7 आंसर हो जाएगा इस तरह से। या बच्चों जो है यदि आप ऊंचे क्लास में जाओगे, यदि डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया जाता है तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के द्वारा जो हम फैक्टर्स करते हैं तो वह जो एलसीएम करने के बाद जो संख्या है जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको फिर गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो संख्याएं आती है उसको हम लोग डिनोमिनेटर मानते हैं। लेकिन इस क्लास में आप लोग को ये पहले इसको समझना है ना, जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो फिर उसको समझिए। तो इस तरह से जो है फ्रैक्शन का ऐड और सब्सट्रैक्शन जो है आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, जिसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है पिक्चर के साथ, आप लोग को दिख रहा होगा 2 जो है इलिफेंट का पिक्चर दिया हुआ है, जंबो एट 5/7 ऑफ द सुगर कैन एंड जिमी एट 1/7। ठीक है, यानी जंबो एक हाथी का नाम जंबो है और एक का जिमी, तो पहला ने 5/7 भाग खाया, यानी 7 भाग में से 5 भाग खाया, और दूसरा जो है 7 भाग में से 1 भाग खाया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल पोर्शन ऑफ द सुअर के देके, यानी उन दोनों के द्वारा जो गन्ना है वह कितना खाया गया है दोनों को मिला के। तो सबसे पहले तो आप 5 का आंसर देंगे एड में, है ना, 5/7 एड 1/7, यानी दोनों का जो कुल मात्रा जो है वह एक ही है। ठीक है, यानी 7 भाग में से 1 जो है 5 भाग खाया और दूसरा जो है 7 भाग में से 1 भाग खाया, तो कुल कितने भाग जो है 7 भाग में से खाया। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर एक समान है, तो एक समान है तो वो जो है कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर, उसके बाद इसको डिनोमिनेटर को जो है एड कर देंगे, तो 5/6, यानी कुल 7 भाग में से कितने भाग खाए 6 भाग। तो नीचे वाला को आप लोग जानते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ दिया जाता है उसमें से जो है जितने पार्ट जो है खाए उसको निकालना है, तो ऊपर वाले जो है आता है, तो उसी को हम लोग जो है फ्रैक्शन कहते हैं, यानी जो न्यूमरेटर होता है वह हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर बी 5 का ही, उसमें दिया हुआ फाइंड द डिफरेंस इन द पार्ट ऑफ द शुगर कैन दे, यानी दोनों ने अलग अलग जो है कुल है ना गन्ने में से कितने भाग खाए और कितने भाग जो है बचा हुआ है। तो 5/7 जो है 7 भाग में से 5 भाग खाया है ना, और दूसरा जो है 7 भाग में से 1 भाग खाया, इसको सब्सट्रैक्ट के रूप में जब भी डिफरेंस जो है दिया रहे क्वेश्चन में, तो किसी भी क्वेश्चन में तो अंतर पूछता है, अंतर मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को एक दूसरे से घटा के जो है दोनों का अंतर निकाल देना है। तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है तो इसको 1 ले लेंगे, ठीक है 1/7 ले लेंगे, और ऊपर वाले से जो है ऊपर वाले को घटा देंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4 है ना। तो अभी भी जो है 7 भाग में से 4 भाग जो है गन्ना बचा हुआ है। ठीक है,
ए आपका आंसर हो जाएगा 5 ए का और 5 बी का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6D। ठीक है, 6D में जो है आपको सबसे पहले बता दे इस चैप्टर को समझाने से पहले कि ऑफ किसी भी दो संख्या के बीच में या दो फ्रैक्शन के बीच में ऑफ दिया हो तो ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब है जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है 6D का वन नंबर में है ना, वन का ए में कि 3/8 ऑफ 56 बैलून्स। ठीक है, तो 56 बैलून में से 3/8 बैलून्स का जो है वैल्यू कितना होगा है ना फ्रैक्शन, तो का ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है का। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 56 है ना। तो आप देख रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं 56 जो है वह क्या है, डिनोमिनेटर है होगा ना डिनोमिनेटर होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सिंगल नंबर्स दिए रहेंगे फ्रैक्शन में तो उसको हमेशा जो है आप लोग डिनोमिनेटर ही मानेंगे यानी अंश मानेंगे, और डिनोमिनेटर के रूप में जो है आप वन अपने मन से ले सकते हैं है ना, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए ताकि आपको जो है सम्स बनाते समय किसी तरह का भूल ना हो। तो 3/8 और 56/1 हो जाएगा यानी 56 जो है ये आपका न्यूमरेटर, 1 जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा। यदि किसी संख्या से ऊपर नीचे है ना इधर भी क्रॉस करके भी यदि करता है तो उसको काट के छोटा करेंगे। तो 8 1 8 8 7 56 ठीक है, कट गया। तो नीचे 1 है और ऊपर 3 और 7 है, तो 3 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 21 यानी 56 बैलून में से है ना, 56 बैलून को यदि 3/8 फ्रैक्शन में निकाले तो उस बैलून की संख्या कितनी होगी, वह होगा 21 है ना, यह होगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से जो है 6D का वन नंबर क्वेश्चन जो है पूरा इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप लोग है ना। यदि आप लोग को बोला गया है कि 1 आवर इट्स मीन 60 मिनट्स, एक घंटा नहीं लिखे वहां पे 60 मिनट लिखेंगे। ठीक है, जहां पे मैं 56 लिखा हूँ वहां पे आप 60 लिखेंगे। 1 ईयर, 1 ईयर में किसी से जो है मंथ के अनुसार आप लोग लेंगे यानी एक साल में 12 महीने होते हैं तो वहां पे ईयर के जगह में 12 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। और दर्जन में आप लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कोई भी सामान जो है कितने होते हैं जो काउंटेबल होते हैं है ना, तो वह 12 होते हैं तो दर्जन के जगह पे आप लोग 12 लिखेंगे। ठीक है, और उसको काटेंगे यदि कटता है डिवाइड होता है तो एक दूसरे से काटेंगे या किसी दूसरे संख्या से भी कटता है तो उसको काटेंगे। इस तरह से जो है आप सॉल्व करेंगे 60 का वन नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ हेयर आर सम एप्पल है ना, इसमें दिया हुआ कलर 2/4 ऑफ देम रेड है ना, यानी जो दो कुल भाग का यानी टोटल जो एप्पल है सेब है उसमें 2/4 भाग को केवल लाल कलर से भरना है, 1/5 भाग को जो है येलो कलर से भरना है और 3/10 भाग को जो है ग्रीन भाग से भरना है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे है ना, तो इसको आप लोग सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कलर्स को काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो 20 का है ना का मतलब गुना 2/4 भाग जो है कितना होगा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6D का वन नंबर। ठीक है, यह वन नंबर था तो 20 टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 20 है तो 20 का जो है 2/4 भाग कितना होता है, 4 1 4 4 5 20 तो 5 2 10 यानी 10 जो है एप्पल को आपको रेड कलर से करना है। उसी तरह से फिर 12 लिखेंगे है ना 20 उसको फिर जो है 1/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 5 4 20 इसमें 4 जो है एप्पल को आपको येलो कलर से करना है। 3/10 दिया हुआ है ना यानी 20 एप्पल का 3/10 कितना होगा, तो 10 1 10 10 2
ट्वेंटी टू थ्री जा सिक्स, यानी सिक्स जो है एप्पल को आपको ग्रीन कलर से करना है। इस तरह से जो है आप सभी मतलब एप्पल्स को अलग अलग करके फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको निकाल के जो है कलर करेंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज द व्हाट प्रॉब्लम। इन अ बस देयर आर 45 सीट्स, इफ 4/9 ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द फीमेल्स, हाउ मेनी आर लेफ्ट फॉर द मेल्स टू ऑक्यूपाई। यानी दिया हुआ है कि एक बस में 45 सीट है, कुल कितने सीट है 45, ठीक है। तो उसमें से यदि 4/9 जो सीट है वह महिलाओं के लिए भरा हुआ है ना, मतलब उसके लिए रिजर्व है, और तो बचा हुआ कितना भाग जो है वह जेंट्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से यह जो क्वेश्चन निकाले हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6D का क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ऐसे टोटल नंबर ऑफ सीट बस में कितना है 45, है ना। तो कुल संख्या का जो है वह बोल रहा है कि 4/9 भाग जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है, ऑक्यूपाइड है ना। तो उसके बाद जो है उसकी संख्या जो है निकालने के लिए आपको फ्रैक्शन जो है जो टोटल नंबर सीट दिया हो उसमें 4/5 से जो है मल्टीप्लाई करना है ना, और डिवाइड। तो इसको जो है हम लोग ऐसे जो अपने सुविधा के अनुसार इसको बना लेते हैं, 45 को न्यूमरेटर और 1 को डिनोमिनेटर। तो इसको काटेंगे 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। यह आ गया क्या 5, और 4 ऊपर बच गया तो यह हो जाएगा 20, यानी 20 सीट जो है वह फीमेल्स के लिए है ना, फीमेल्स के लिए। और जो बचा हुआ भाग है ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 45 में से 20 सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 25, है ना, जो कि मेल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। 4 भी उसी तरह से पूछा गया और 5 भी, ठीक है। तो इस चैप्टर में 6D में आप लोग 4, 5 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6E में, है ना, चैप्टर का 6 का ई में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं मिक्स फ्रैक्शन जो है क्या होता है ना। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है जैसे कोई भी चीज पॉइंट में जैसे हम लोग निकालते हैं है ना डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल जहाँ पे हम लोग लिखते हैं और लिख के वो पूरी जो संख्या को पूरी तरह से काट देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे काटना नहीं है, इसको जो है केवल फ्रैक्शन में ही रखना है। जो भाग आपका शेष बचेगा वह चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जिससे आप डिवाइड करेंगे वह आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, और जो आपका पॉइंशन आएगा वह पॉइंट के रूप में रहेगा, है ना। उसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है 7/3, ठीक है, दिया हुआ 7/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से 7 में डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब हम लोग 3 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 6 आता है, तो 2 टाइम्स में हम लोग 6 लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वह हमारा चला जाएगा कहाँ, न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जिससे हम लोग डिवाइड किए हैं वह हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो हमारा कोएफिशिएंट 2 आया है तो पॉइंट बन जाएगा, यानी इसका जो है 2.1/3 जो है हम लोग लिख सकते हैं, और यह जो है मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग अपने भाषा में जो है इसको 2 पूर्णांक 1/3 भी कह सकते हैं। इस तरह से जो है आपको इन प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करना है, बदलना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम लोग जो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए ले लेते हैं, 6 6 पूर्णांक 1/3,
चार, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो इधर, क्योंकि इसको आपको समझना है, इसमें मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हम लोग सीधा सवाल जानते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन एड रिमाइंडर। तो यह सिक्स जो है यह हमारा क्वेश्चन है, फोर जो है वह हमारा डिवाइजर है, और वन जो है वह हमारा रिमाइंडर है। आप देख रहे हो जो थ्री से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइजर है, जो कि हम लोग डिनोमिनेटर में लेते हैं, जो क्वेश्चन टू आया है उसे हम लोग पूर्णांक में लेते हैं, जो हमारा शेष बच जाता है वह हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं। तो उसको जो है बदलने के लिए जो डिवाइड का जो रूल है होता है चेक करने का, उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर एट रिमाइंडर, तो सिक्स और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, और वन ऐड कर देंगे यह हो जाएगा 25, और डिनोमिनेटर जो है वह फोर ही रहेगा, यानी यह हो जाएगा 25/4, ठीक है। यह हो जाएगा, सॉरी यह हो जाएगा 25/4 जो है वह हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, आप लोग भी इसी तरह से जो है कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अब नीचे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कुछ समझने का नहीं है, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अनुसार आपको बनाना है। आइडेंटिफाई द मिक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग शेप्स, देन ऑल्सो राइट देम एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले मिक्स फ्रैक्शन उसमें समझना है कि क्या होगा, उसके बाद उसका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा वो निकाल देना है। तो टोटल जो है दो मतलब जो है सर्कल दिया हुआ है, एक में पूरा सर्कल है और दूसरा में एक, है ना। तो टोटल जो है हम लोग कलर देखेंगे, टोटल भाग देखेंगे, तो टोटल भाग इसमें चार है, इसमें चार है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आठ, है ना। तो इसमें जो है आपको समझना होगा कि टोटल भाग में से एक भाग, थ्री नंबर क्वेश्चन में फोर एंड फोर एट, एट में से जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फिगर्स जो है वह फोर है, ठीक है। तो टोटल नंबर जो फिगर है वह हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं ना। अब उसमें जो है फोर पार्ट में से वन पार्ट जो है वह कलर है, यानी वन पार्ट जो है आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन में यदि हमको पूरा फुल पार्ट लाना है, यानी फोर पार्ट में वन पार्ट हमको दर्शाना है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वह वन बाई फोर जो है दर्शाएगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, वन बाई फोर, ठीक है। इस तरह से आगे जो दिया हुआ क्वेश्चन है थ्री में उसको आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, जो कि आपको समझना है। दिया हुआ है पूजा बॉट सिक्स इक्वल पीसेस ऑफ ए क्लॉथ एंड कट देम इनटू द हाफ इच, यानी छह को जो है पीस, है ना, वह कपड़े खरीदी, सभी को जो है वह आधे आधे में बांट दी। तो सिक्स का जो यदि आधा करेंगे, है ना, तो वह कितने कितने भागों में बढ़ जाएगा, टोटल भाग जो है उसका आधा आधा करके कितने टोटल आधा हो जाएगा, 12, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी हाफ पीस ऑफ क्लॉथ डज सी हैव नाउ, तो उसका आंसर हुआ 12, ठीक है। जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, जैसे इसे कपड़े मान लेते हैं, यदि दो बराबर भागों में बांटेंगे या कितने होगा, क्लॉथ हो जाएंगे हाफ हाफ करके दो हो जाएगा, है ना। इसी तरह से सिक्स है, ठीक है। तो टोटल जो है हाफ केवल पूछा है कि आधा कपड़े कुल कितने होंगे, तो आधा कपड़े जो है वो 12 हो जाएगा, है ना। तो एक आंसर होगा 12 पीसेस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ थ्री हाल्व्स
आर गिवेन अवे हाउ मेनी होल एंड हाफ विल बी लेफ्ट। बोल रहा है केवल तीन हाफ यानी एक दो और इसमें से एक, ठीक है। तो इसमें से एक जो है, जैसे मान लेते हैं इसको जो कलर किया हुआ है वह निकाल दिया गया है ना, यानी 12 में से 12 हाफ में से यह तीन हाफ को निकाल दिया गया है, तो कुल कितने फूल बचेंगे। ये सबको हाफ नहीं बोला है, फूल बोला है, ठीक है, फूल बोला है दूसरे क्वेश्चन में। तो 1 2 3 4, तो 4 जो है 4 वह होल क्लोथ बच जाएगा, क्लोथ्स और 1 हाफ। वन हाफ जो है बच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी का आंसर होगा 4 होल्स क्लोज एंड 1 हाफ क्लोज, ठीक है, क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट है 6F। हाँ, 6F में जो है आपको डेसिमल में बनाना है ना। आगे है 6F में आप लोग को कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको दशमलव में जो है बताना है कि वह कितना होगा। तो नीचे वाले आप लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाता है ना, तो नीचे से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 9 से बड़ा जो है वह 10 है, ठीक है। तो जब कटेगा नहीं इसके लिए पहले हम लोग 0 देंगे, नहीं कटेगा इस लिए, उसके बाद जो है फिर देख रहे हैं कि नहीं कटेगा तो हम लोग क्या देंगे दशमलव। जो पॉइंट होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं दशमलव, ठीक है। तो दशमलव लेंगे तो उसके बदले यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे। अब 10 के टेबल में 90 कितने टाइम्स में आता है आप लोग सभी जानते हैं, 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में आएगा 90, तो उसको घटाएंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका जो है डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो यह कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग सभी को कन्वर्ट करेंगे नीचे से ऊपर वाले में डिवाइड करके। उसके बाद फिर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू मीटर, किलोमीटर और लीटर यूजिंग द डेसिमल, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक मीटर में है ना 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1/100 हो जाएगा, यानी एक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से 1 kg में 1 किलोग्राम में है ना 1000 जो है ग्राम्स होते हैं, तो यह हो जाएगा 1/1000। ठीक उसी तरह से 1 लीटर है ना, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। इसमें हो जाएगा 1/1000, ठीक है। इसी तरह से जो है आप लोग यूज करके इस फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर पूछा तो मीटर में कन्वर्ट करना है हमको है ना, तो जब मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 65 में 100 से डिवाइड करेंगे है ना, जो फॉर्मूला को अपनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि 65 जो है वो 100 से छोटा है तो नहीं कटेगा, तो पहले 0 लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेसिमल लिए दशमलव, तो उसके बाद हम लोग क्या लिए हैं 0। अब देखेंगे यह 650 हो गया, तो 6 टाइम में 600। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 6 कट जाएगा, यह घटने के बाद जो है 50 बच जाएगा। अब आप सोचोगे फिर हमको दशमलव बैठाएंगे तब हम 0 लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि एक बार आप यहाँ पे 0 बैठा दिए हैं, सॉरी दशमलव बैठा दिए हैं, तो आप 0 ले सकते हैं है ना। यदि 0 यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर यदि 1000 होता है ना, तब नहीं करता तब यहाँ पे हम लोग 0 बैठाते, नहीं करता उसके लिए, ठीक है। फिर डेसिमल लेने की जरूरत नहीं होगा यदि आप लोग डेसिमल एक बार ले चुके हैं। तो यह 5 टाइम्स में जो है यह 500 कट जाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्ट होगा कट जाएगा। इस तरह से 65 जो है सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगी, कितना हो जाएगा 0.65 मीटर। और यह जो है ना कन्वर्ट होकर डेसिमल में 0.9 जाएगा। इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर समझाया गया है उसको अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।